नमस्कार, मैं आदित्य शेखर आज अपनी कुछ बात राजनीति की सुपरिच्छा पे रखने जा रहा हूँ। 26 जनवरी 1930 को पंजाब के रावी नदी के तट पर तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने एक अधिवेशन किया। उस अधिवेशन में ये फैसला लिया गया कि हम गरीब और अशिक्षित वर्ग को शोषण से मुक्त एक न्यायपूर्ण व्यवस्था में रखेंगे और आज़ादी मिल जाने के बाद किसी के भी आंख में आंसू नहीं रहेगी। उनके आंखों में एक सपना था, एक ऐसे भारत का सपना जहां गरीब और अशिक्षित लोग शोषण से मुक्त एक न्यायपूर्ण व्यवस्था में अपना जीवन यापन कर पाए। उनके मन में एक ही बात थी, मैं लाल हूं भारत का अपने वतन पे मिट जाऊंगा, मैं लाल हूं भारत का अपने वतन पे मिट जाऊंगा, मरते दम तक भारत माँ तेरी लाज बचाऊंगा। जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ी वैसे वैसे काफी सारे व्याख्यान हुए जिसने राजनीति की जड़ों को मजबूत किया, वहीं काफी ऐसे भी व्याख्यान हुए जिसने राजनीति की जड़ों को कमजोर किया और हमारे लोकतंत्र को भी कमजोर करने का काम किया। जब समय बीतता गया, 1962 का जब समय आया तो एक युद्ध छिड़ा था हिंदुस्तान और चीन के बीच में, तो उस वक्त वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो राज्यसभा में बैठे हुए थे और सदन चल रही थी। इतने में एक राज्यसभा सांसद श्री रामधारी सिंह दिनकर जी वो उठते हैं और एक कविता का आवाहन वहीं से करते हैं, हर हर बम बम। तो इस कविता में उन्होंने नेहरू की खिल्ली उड़ाई थी और नेहरू के पास में इतनी शक्ति थी और ये लोकतंत्र की ताकत थी कि नेहरू उस पूरे के पूरे भाषण को सुने और श्री रामधारी सिंह दिनकर जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने पूरे सदन में सबके सामने अपने इस भाषण को कहा। तो ये लोकतंत्र की जड़ों को काफी मजबूत की। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया 1975 के दौरान करीब करीब 19 महीने का हमारे देश पे एक आपातकाल लगा दिया गया जो कि हमारे लोकतंत्र पे एक कलंक है, जिसमें सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और हालांकि उसका ये परिणाम हुआ कि 1977 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नए कलेवर के जनता दल की सरकार बनी। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं जो रामधारी सिंह दिनकर जी की उस वक्त एक रचना थी, ये बात अछूती रह गई। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि रिक्त सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि के सिर पर मुकुट धरो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा हमेशा दिल्ली ही रहा और हमारी जो गांव में जो गांव की आबादी है उस आबादी तक में कोई भी अच्छी योजना सरकार की तरफ से नहीं पहुंच पाई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी बोलते हैं कि जब 100 रुपया हम केंद्र से गांव में भेजते हैं तो 85 रुपया बीच के बिचौलिए खा जाते हैं और गांव के जिन्हें जरूरत होती है उन्हें केवल 15 रुपया पहुंच पाता है। ये हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। हमें अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना पड़ेगा। आज पूरा का पूरा जो देश है वो संप्रदायवाद, धर्मवाद, जातिवाद, वंशवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद के दावानल में धधक रहा है। पंजाब की रावी तो पाकिस्तान में छूट गई और भारत की कावेरी भी जल विवाद में आ गई है। सड़क से संसद तक हर एक व्यवस्था चरमरा गई है। अब हमारे आंख के आंसू कौन पोछेगा? कौन होगा जो ऐसी बात करेगा जिससे कि हमारे देश का विकास हो? कौन होगा जो रचनात्मक बात करेगा, ना कि इस बात को करेगा कि जवाहरलाल नेहरू का ये फैसला गलत था और इंदिरा गांधी ने ये गलत किया? अब हमें नए रचनात्मक चीजों की जरूरत है। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम उस मुद्दे पर बात करें जिसका हमारे भविष्य कोई लेना देना ना हो। अभी हमें जरूरत है कि हम बात करें हमारे देश में बुलेट ट्रेन कैसे चलेंगे, हमारे देश में जो हमारे युवा पीढ़ी है उसे रोजगार कैसे मिलेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे होगा भारत। इस पे अंत में मैं कहना चाहता हूँ, चंद मछेरों ने साजिश कर सागर की संपदा चुरा ली, चंद मछेरों ने साजिश कर सागर की संपदा चुरा ली, माली ने कांटों से मिलकर फूलों की कुर्की करवा ली, खुशियों की हड़ताल है, सुख की तालाबंदी है, आने को आई आजादी मगर उजाला अभी बाकी है और उजाला बहुत जल्दी आना चाहिए, नहीं तो हमारे देश को फिर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा, हमारा देश खुद के देशवासियों से फिर से गुलाम हो जाएगा और अपने ये जो सोच है इनकी उस सोच में गुलाम हो जाएगा। तो इस गुलामी से निकलना पड़ेगा, हमें हमारे देश के लोकतंत्र को बदलना पड़ेगा, रचनात्मक बातों को करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।